सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये इतना ताकतवर है कि 2 मीटर गहरा गढ़ा बना देगा। मुजाकरात के लिए आप भी खलील पाशा के साथ जाएंगे। हमारे सुल्तान नईमे की शादी भी जल्द करवाना चाहते हैं। वो एक मुनासिब दामाद की तलाश में हैं। हमारा ख्याल है गाजी उस्मान पाशा के फर्जंद कमालुद्दीन पाशा मुनासिब इंतखाब होंगे नईमे के लिए। दो लोग बात कर रहे थे कि वो आया सूफिया पर सलीब लगाएंगे, वो सुरंगों के रास्ते जाएंगे। समीर को मारने वाले खूनी सुल्तान से इंतकाम लेने के लिए तैयार है। इस औरत को सामने करना जरूरी है ताकि वो इसे अच्छी तरह देख ले और हम पर हमला न करे। अगर ये सलीब नस्ब हो गई तो मुसलमानों का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। रुक जाओ। बम से उड़ा दे उन्हें। सारा हिदाया पक्की में मौजूद है। अगर तुम बता दो कि किसने भेजा है तुम्हें, तो तुम सबको आजाद कर दिया जाएगा। सिपाहियों, बच्चों को रिहा कर दिया मैंने, उन्हें अच्छी तरह तैयार किया पहले और तोहफे उनके बैग में रख दिए। सबको बम बना दिया है। उस्मान, बच्चों को इनकी दर्जगाह पहुंचा दो। जो आपका हुक्म पाशा। चलो बच्चा, जल्दी चलो, आ जाओ। महमूद पाशा, क्या हुआ आपको? महमूद पाशा, महमूद पाशा, होश में आइए, क्या हुआ आपको? सारा ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, मुझे गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। तेजी से मारना शुरू कर दिया उसने मुझे और बेहोश कर दिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है, होश में आ गया मैं। वो छोटे बच्चों का क्या हुआ पाशा? क्या आप उन्हें बचाने में कामयाब हुए? इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अपने मदरसे पहुँच जाएंगे पाशा। शुक्र है मालिक, शुक्र है। बहुत दर्द हो रहा है पाशा। उमर, तुम्हारी मां का कातिल आया है, बाहर आ जाओ। तुम किस किस्म के इंसान हो? हाँ, किस कदर बेहिस और बेरहम इंसान हो तुम। उमर, हिरम तुम्हें दफन करके ही रहेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही है। मेरी माँ उस जहान में तुमसे अपना इंतकाम लेगी। हिरम, फिर बच गए, किस्मत अच्छी है तुम्हारी।
भाग लो जितना भागना है, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। मैं थक गया हूँ। आर्मेनी है हम सब, जानता हूँ। क्या आप लोग मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने हम पर हमला किया तो आप लोग गोली मार देंगे उसे? कोई तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे दादा दादी हमेशा कहा करते थे। क्या कहते थे? दादा कहते थे कि मुसलमान बहुत रहम दिल होते हैं, मगर जुआ नहीं खेलने देते, शराब नहीं पीने देते, कोई गलत काम भी नहीं करने देते, इसीलिए जालिम है वो लोग। तो तुम्हारी दादी क्या कहती थी? अल्लाह की लानत हो तुम पर बदबख्त। बम धमाके बहुत पसंद है मुझे, बम बम। मेरे सुल्तान, मैंने महमूद पाशा को बग्गी में रुकने का कहा और मुजाकरात के लिए अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो वहाँ सिर्फ बच्चे थे, बच्चों को अगवा करने वाला शख्स वहाँ नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि ये मामला क्या था, बच्चों को मुजाकरात के बगैर कैसे छोड़ दिया। ये जो कुछ भी हुआ हैरान कुन है। ना इरादा जाहिर किया ना मकसद हासिल किया अपना, और बच्चों को छोड़कर वहां से फरार हो गए वो मलून। उन बदबख्तों को इसका हिसाब चुकाना होगा। मगर एक नाखुशगवार हादसा पेश आया है मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो महमूद पाशा आपको खुद बताएंगे। बताइए। सुल्तान मुअज्जम, हादसा कुछ इस तरह पेश आया कि वजीर आला अगवाकारों से मुजाकरात के लिए अंदर तशरीफ ले गए और मैं बग्घी में बैठा रहा। मेरे सामने बग्घी में वो सारा हिदाया नामी औरत बैठी हुई थी, वो बहुत गुस्से से देख रही थी मुझे। मैंने तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और मुझ दूसरी जानब फेर लिया, लेकिन मेरे दिल में आया कि पिस्तौल निकाल लूं अपनी और उसे गोली मार दूं मैं, खसकम जहां पाक खत्म। लेकिन नहीं हो सका मुझसे। असल बात बताइए पाशा। जी बताता हूं मेरे सुल्तान, मेरा रुख दूसरी जानब था। उस वक्त मैंने आंखें घुमाकर उस सारा हिदाया की जानब देखा तो उसने अचानक एक चीते की तरह मुझ पर हमला कर दिया। मेरे सर में इस जगह पर, जरूरत नहीं, मेरे सर पर यहां उसने जोर से वार कर दिया, बहुत जोर से वार किया, फिर एक और वार किया, फिर वो वार पर वार करती रही और मैं बेहोश हो गया। यानी आप एक औरत से मुकाबला करने में भी नाकाम रहे। पर सुल्तान मुअज्जम, आप जानते हैं एक औरत से इतनी जोरदार जरबों की कोई समझदार पाशा भी तवक्को नहीं कर सकता कभी, ये मुमकिन नहीं। आपके साथ हुई ज्यादती के अलावा सारा हिदायत से कोई सरोकार नहीं, हमें जो मालूम करना था वो कर लिया। मेरे सुल्तान, तो उस सारा हिदायत नामी औरत ने क्या मालूमात दी? अगर आप बेहोश ना हुए होते पाशा तो आपको भी ये मालूम हो जाता। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। बेटी, कहाँ हूं मैं? घबराओ मत बेटी, यहां बेहोश पड़ी थी तू। कौन हो बेटी? अपने भाई का जनाजा लेने आई थी मैं, मगर वो लोग ले गए। तुम्हारा मतलब मैयत ले गए? जी हाँ। कौन हो तुम बेटी? वो लोग क्यों ले गए तुम्हारे भाई की मैयत? वो फसाद कराने की नियत से ले गए, ढूंढना होगा मुझे। कहो फरजंद। सुल्तान मौजम, आपके हुक्म के मुताबिक हम वजीर आला से कुछ फासले पर उनका ताकुब कर रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज सुनी, मुझे लगा कि कोई खतरा है तो मैं फौरन जहां से आवाज आई थी उस तरफ दौड़ा। जंगल के रास्ते में मुझे कोई हरकत महसूस हुई, अपने साथियों को चलते रहने का कहा और अकेला जंगल की तरफ चला गया। फिर क्या हुआ? मैंने दो लोगों को बम के साथ देखा, आर्मीनी थे वो दोनों, शायद वहां से वो नष्ट शुदा बम हटा रहे थे अपना सुराग मिटाने के लिए। उनमें से एक ने पिस्तौल निकाली तो मुझे उसे मजबूरन मारना पड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताता, किसी ने दूर से उस पर गोली चलाई और वो मर गया। वजीर आला को क्यों बुलाया था आप समझ गए हैं? हम उन्हें मार के रियासत में बदनामी फैलाना चाहते थे। मेरे सुल्तान,
फिर उन्होंने धमाका क्यों नहीं किया? चूंकि उस बग्गी में उनका मंसूबा मुलतवी करने वाली एक अहम शख्सियत भी थी। जिस आदमी को मैंने पकड़ा उसने मरने से पहले कुछ कहा था। क्या कहा था? किसी हमले का जिक्र किया था। इससे पहले कि वो तफसील बताता उसे मार दिया गया। फर्जंद, वो लोग रियासत का हम तबाह करना चाहते हैं, हमारी मिल्लत को खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन हम और हमारी मिल्लत सिरात मुस्तकीम को कभी नहीं छोड़ सकते। इन गद्दारों को हम शिकस्त देंगे इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह। वो शैतान हिरम भी वहां मौजूद था। जहां खून की बू होगी दरिंदे भी वहीं मिलेंगे। अब वाज़े हुआ कि बच्चों को इतनी आसानी से रिहा क्यों किया। फर्जंद, तुम्हें इस बहादुरी का सिला जरूर दिया जाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। रियासत के लिए लड़ना मेरा फर्ज है सुल्तान मोहसिन। अजर की उम्मीद मैं सिर्फ अल्लाह से रखता हूं। आफरीन, जा सकते हो तुम। मेरे सुल्तान, आसन अभी मेरी मेहमान है, उसके लिए क्या हुक्म है? आसन को हम महल में वापस ला सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वह खुद अपनी मर्जी से यहां आए। उसके पास एक अहम अमानत है, उसके लिए इस अमानत का बोझ उठाना मुश्किल होगा। वो बहुत जल्द उस अमानत को लेकर हमारे पास आएगी, हम मुंतजिर हैं उसके। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आया सोफिया का मंसूबा तबाह हो गया पाशा, इसे रखो, किसी गरीब मुसलमान बच्चे को दे देना खेलने के लिए। जनाब ज़ाहरोव, मुसलमानों के पास तो असली आया सोफिया मौजूद है, इस मॉडल का क्या करेंगे? वजीर आला को भी नहीं मार सके, क्या होगा अगर आप जैसे एक बड़े और ताकतवर पाशा को मार डाले? क्या मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे? आपकी मौत पर भी काफी हंगामे और फसादात बरपा हो सकते हैं पाशा। हाँ? अब्दुल हमीद के साथ जब भी कोई जंग शुरू करता है उसका दिमाग उलट जाता है और वो अतराफ के लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। लिहाजा जनाब ज़ाहरोव, ऐसी अहमकाना हरकतों से परहेज करें। मैंने जब भी जंग छेड़ी जीती है, ये भी मैं ही जीतूंगा पाशा। लेकिन फिलहाल सूरत हाल कुछ और है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा और उस्मानी बैंक पर हमला सूरत हाल बदल देगा। सबसे पहले जिन ईसाइयों को आपने आया सोफिया भेजा था उनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने जबान खोल दी तो अब्दुल हमीद के लकड़ी के कारखाने में तख्ते की तरह हो जाएंगे आप और टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आएंगे। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। सवाल अब्दुल हमीद को काबू करने का है, उसे उलझाने के लिए कोई मशवरा दो पाशा। जनाब ज़ाहरोव, मैंने पहले ही अब्दुल हमीद के जहन में वसवसा डालकर उस्मान पाशा के खिलाफ भड़का दिया है। अब्दुल हमीद समझता है कि जनाब हर्बर्ट की जानिब से तैनात करदा उनका गवर्नर और गद्दार गाजी उस्मान पाशा के सिवा और कोई नहीं है। शक का ये बीज उसे परेशान तो कर सकता है, लेकिन उसकी सोच को नहीं बदल सकता पाशा। अब्दुल हमीद अगर प्लेविन के फाते गाजी उस्मान पाशा को गवा देगा तो बौखला जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मगर अगर गाजी उस्मान पाशा लावारिस शाह की तरह महल में पड़े सुल्तान मुराद को अगवा करने और अंग्रेजों के इश्तराक से सुल्तान मुराद को तख्त नशीनी के लिए तैयार कर ले तो उस वक्त अब्दुल हमीद सदमे से ही बिखर जाएगा। सुल्तान मौसम, सिपाहियों ने सुरंग से गिरफ्तार किए गए रूमियों को जेल मुंतकिल कर दिया है।
मैं उनसे कल तफ्तीश करूंगा। आफरीन। क्या वो सिर्फ बदमनी फैलाने के लिए हाया सोफिया पर सलीब लगाना चाहते थे? दुरुस्त है पाशा, मुसलमानों, रोमियो और आर्मीनियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तफरीका चाहते हैं, मिल्लत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और हर टुकड़े को एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनका मकसद वजीर आला से मुलाकात करना नहीं बल्कि उनकी जान लेना था। यह बात कैसे वाजे हुई मेरे सुल्तान? वजीर आला के रस्ते में उन्होंने एक बम नस्ब किया हुआ था ताकि जब उनकी बग्घी वहां से गुजरे तो वो धमाका कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है। उमर ने हमें एक बहुत अहम खबर दी है। उमर ने एक आर्मीनी दहशतगर्द को दबोच लिया था जिसकी जबान से मरते वक्त एक अहम लफ्ज निकला, हमला। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं मगर मैं कुछ समझा नहीं। उन लोगों के पास इन कार्रवाइयों के लिए वसाइल कहां से आए? बज़ाहिर दोस्त नजर आने वाली रियासतें उनकी मदद कर रही हैं फितना फैलाने के लिए। वो रियासतें उनके वफादार आर्मीनियों को इस्तेमाल कर रही हैं। हमारा मुकाबला इनसे नहीं बल्कि उन सारी रियासतों से है। पाए तख्त में लाया गया असलहा तल्फ करने के बावजूद आर्मीनी दहशतगर्द अभी भी सरगर्म है और हमें सबसे पहले यह मालूम करना होगा कि कार्रवाई कहां की जाएगी। आपका क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? आर्मीनियों के सरबरा पादरी को तलब करें, देखते हैं उसके पास क्या मालूमात है। जी बेहतर सुल्तान मौसम। खुश आमदीद उमर। बहुत शुक्रिया। आसन तो ऐसे सो रही है जैसे कि बेहोश हो। मैं क्या कोई इसकी निगरान हूं जो तुम मुझसे इस तरह पूछ रहे हो? ये मतलब नहीं था मेरा। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, प्यास लगी है, थका हुआ हूं। क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं, ठीक हूं मैं। भाई की कब्र तलाश करने गई थी मैं, थक गई थी। नहीं जाना चाहिए था, बाहर जाने से मना किया था मैंने। मेरा भाई लवारिस नहीं है, उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी लेकिन वो मुझसे पहले पहुंचे हुए थे। कौन पहुंचे हुए थे? पानी पियो फिर बताओ। कुछ लोग जो बदमनी फैलाना चाहते हैं। मैं पहुंची तो वो ताबूत ले जा रहे थे। समीर की मौत का बहाना बनाकर सड़कों पर इंतजार फैलाएंगे, सबसे कहेंगे इसके पीछे सुल्तान का हाथ है। मेरे भाई ने मरने से पहले सब लिखवा दिया था। ये उनकी डायरी है जिस पर उनके दस्तखत भी हैं। पश्चिमान थे वो कि उन्होंने सुल्तान के साथ नाइंसाफी की है। आसन, सुल्तान के पास चलते हैं हम और उन्हें ये सब बताते हैं। नहीं जा सकती, क्या कहूंगी मैं? सुल्तान को कत्ल करने का इरादा किया हुआ था मैंने, मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकती। आप जाएं जाकर सुल्तान को सब कुछ बता दें लेकिन डायरी मेरे पास रहने दें, मेरे भाई की आखिरी निशानी है। ठीक है। वैसे मुझे अफसोस है कि आप लोगों पर बोझ बन के रह रही हूं यहां मैं, क्या करूं, मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। ऐसे मत कहो आसन, तुम्हारे यहां रहने से सब खुश हैं, खासकर जैनब, ये तो बहुत ज्यादा खुश है ना जैनब? कहो ना, खुश हो तुम? हाँ बिल्कुल। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। मेरी स्नेहा, खुश आमदीद। क्या हुआ? वल्लाह स्नेहा, मेरा दिल चाहता है कि जो भी इस वक्त मेरे सामने आए उसे बिफरे हुए बैल की तरह सींग मार दूं। उफ, उफ। हमारा दिल उदास है महमूद,
बहुत उदास है हमारा दिल। कौन है जो आपको अजियत दे रहा है बताइए मुझे। कसम खाता हूं अगर वो अंग्रेज भी हुआ तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दूंगा। हमारी भतीजी खदीजा उस्मान पाशा के बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं। तो इसमें बुराई क्या है? खदीजा को गाजी उस्मान पाशा के बेटे कमालुद्दीन से मोहब्बत हो गई है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो बिदार खातून इस रिश्ते के हक में नहीं है और बेचारी खदीजा ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। तो बिदार खातून का इससे क्या ताल्लुक है? बात यह है कि कमालुद्दीन से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती हैं वो। बिदार खातून एक रहीन खातून है, काफी समझदार हैं वो। वैसे क्योंकि गाजी उस्मान पाशा से अगर रिश्ता जुड़ जाए, कमालुद्दीन पाशा अगर वाकई उनका दामाद बन जाए, ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। मेरा ख्याल है सैनिहा, बिदार खातून की ये मुराद पूरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा महमूद, बिल्कुल ठीक कहा, मगर कैसे? कैसे? याद रखिएगा, खदीजा ने अगर कमालुद्दीन पाशा से शादी कर ली तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सुल्तान मुराद को होगा। समझी नहीं मैं महमूद, कैसा फायदा? गाजी उस्मान पाशा एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, अब्दुल हमीद उन्हें मायूस नहीं करेंगे। खदीजा बेटी कमालुद्दीन पाशा की बीवी बन गई तो जब चाहेगी अपने वालिद से मिल सकेगी। दुरुस्त कहा आपने, शायद फिर उसके बाद भाई से हम भी आजादी से मुलाकात कर लिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सनेहा, आप खदीजा बेटी से कहें कि वो कमालुद्दीन पाशा से अगर शादी कर लेती है तो जिस वक्त चाहे, जब चाहे अपने बाबा से मिल सकेगी। फिर देखिएगा खदीजा बेटी कैसे अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए लड़ती है। क्या अकल पाई है आपने महमूद। ये तलवार जो आपने हदिया में दी थी, हम इसे देखते रहते हैं उस्मान पाशा। प्लेवन में जब मैं गिरफ्तार हुआ, दुश्मन इसे लेने की हिम्मत ना कर सका। आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हम शिकस्त खाकर भी फतह याब रहे। आपके इस मार्के ने तारीख रकम कर दी। ये माजी की बातें हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं अब, इतना कि अब आप मुझे मुजाकरात पर भेजने से भी गुरेज करते हैं। आपको ना भेजने की वजह कुछ और थी मेरे सुल्तान, माजरत चाहता हूं। लेकिन वजीर आला को क्यों भेजा आपने, और खुसूसन मुझे महल में रुकने का क्यों कहा? उस्मान पाशा, क्या आप इस बात पर खुश नहीं कि आप हमारे मेहमान बने? अस्तग़फ़िरुल्लाह, हुक्म करें तो इस दहलीज पर सो जाऊं, लेकिन हैरत यह है कि कसूर क्या है मेरा? आपको याद होगा पाशा, हुकूमत के पहले साल ही जंग का आगाज हो गया था। मिथत पाशा और उनके हलीफों के हाथों हम ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन गए थे। उस वक्त आप प्लेविन में नहीं रुके बल्कि वलेकिया और बोगदान में रूसी फौज का सामना करने को तरजीह दी आपने। जी याद है, लेकिन अस्करी सरवरा की जानिब से इजाजत नहीं मिली। जब हमें यह बात मालूम हुई तो हमने हुक्म भेजा कि प्लेविन से वापस आ जाए और रूसी फौज के संभलने से पहले उस पर हमला कर दें। मगर हुक्म दो दिन की ताखीर से मिला मुझे, उस वक्त रूसी फौज घेराव कर चुकी थी। हम समझ चुके थे पाशा, हमारी रियासत में बहुत से गद्दार मौजूद हैं। जिन लोगों ने आपको वक्त पर पैगाम नहीं पहुंचाया, उनकी ख्वाहिश थी कि हम शिकस्त खा जाएं। सुल्तान मौसम, तारीख में पशमानियां नहीं लिखी जाती, लेकिन काश के आपका हुक्म वक्त पर पहुंच जाता और हम हमला कर देते। ये बात हम जान गए थे, इस वक्त इसलिए दोहरा रहे हैं कि बाद में इस पर कोई अफसोस ना रहे। उस्मान पाशा,
हम आपको ये तलवार हदिया करते हैं जो आपने हमें कुछ मुद्दत के लिए दी थी। इस तलवार को देखें और पुराने वक्त को याद करें। हम अपनी रियासत से वफादारी के जज्बे से सरशार थे। शहादत की आरजू दिल में हुआ करती थी। याद करें उसे। माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? कैसे पूछे पाशा, क्या कहें? प्लेविन के जाबाज उस्मान पाशा से कैसे सवाल करें कि सल्तनत से गद्दारी क्यों की? कैसे पूछे उनसे हम ये? गाजी उस्मान पाशा की गद्दारी बहुत नुकसानदेह साबित होगी, बहुत नुकसानदेह। पाशा, आमिर, क्या सूरत हाल है? सबको तहवील में रखा हुआ है। कोई ऐसी बात बताएं जो आपको अहम लगी हो। उनमें से ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि हमने सुल्तान के साथ गलत किया है। लगता है कि इनसे पूछगछ करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। आला, तो चलें फिर चलकर उनसे सवालात पूछते हैं। चलिए। आखिर हम कैसे साजिश का शिकार हो गए? जब हमसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कि हमें मुलविस किया गया है। बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे उन्हें। दुरुस्त कहा तुमने, सब कुछ बताएंगे हम। बेहतर यह होगा कि सबसे अलग अलग तफ्तीश की जाए। एक कमरा तैयार करो। जैसा आपका हुक्म पाशा। तफ्तीश के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। पाशा, हम इनकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? अगर कोई नया मंसूबा बना लिया उन्होंने। आमिर, इन सबको वरगलाया गया है। असल मुजरिम वो है जो इन सबको इस्तेमाल कर रहा है। देखो जरा, तुम्हारे सरबरा ने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। अब हम उसे फंसाएंगे। हम लोग उन्हें सब कुछ बता देंगे। तो तुम्हें भेजा है उन्होंने। एलेक्स ज़ोरबा एक अच्छा इंसान था, एक फिदाकार था। उसने कभी जान की परवाह नहीं की, बिल्कुल नहीं डरता था। तुमसे भी ऐसी जानिसारी की उम्मीद है मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? शाबाश, आफरीन। पहला उसूल है कभी भी बोलना नहीं है, बाकी बातें भी ज़ारूफ के साथ रहते हुए सीख ही जाओगे। तुम्हारा नाम आज से निकोला ज़ोरबा होगा। सुल्तान, उमर अफंदी आए हैं, कोई खास खबर है उनके पास। बुलाइए उसे। कहो फर्जंद। मेरे सुल्तान, आसन अपने भाई की कब्र पर गई थी।
समीर को हमने किसी हंगामे से बचने के लिए खामोशी से दफन कर दिया था, लेकिन उन्हें उसका ताबूत मिल गया। किसको मिला ताबूत? जो उसके हम ख्याल हैं और उन लोगों का एहतजाज का मंसूबा है। लगता है वो लोग समीर की मौत के बहाने सड़कों पर निकलेंगे। उनका कहना है कि समीर को आपने कत्ल करवाया है। आसन क्या सोचती है इस बारे में? सुल्तान मौसम, आसन जानती है समीर को सारा ने कत्ल करवाया है। समीर ने मरने से पहले आसन को एक तहरीर लिखवाई थी। आपकी मुखालिफत करने पर वो बहुत शर्मिंदा था। क्या उसने उस तहरीर पर दस्तखत भी किए थे? जी किए थे, उसकी डायरी में सब दर्ज है, यानी साबित होता है कि वो समीर ने खुद लिखा है। वो हमारे पास ला फर्जंद, हम उस तहरीर और किताब की तस्वीर को अखबारात में शाया करवाएंगे। इस तरह हम नौजवानों को भड़काने वाले लोगों का रास्ता बआसानी रोक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमद पाशा। वालेकुम अस्सलाम पाशा। अरे महमद पाशा, ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं जैसे बच्चे आपस में मिठाई के टुकड़े के लिए लड़ाई करते हैं? आखिर हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं, दिन भी एक है हमारा, तो अब आपको मसला क्या है? आप जैसे इंसान से दूर रहने में ही आफियत है पाशा। अगर मेरा भाई भी ऐसा हो तो उससे भी दूर रहूंगा मैं। मेहरबानी करें मुझसे दूर रहें। महमद पाशा, देखिए ना, चाहे कोई भी मसला हो उसका एक मख्फी पहलू होता है। अब ये एक महल है, यहां दिन में क्या कुछ होता रहता है हिसाब नहीं उसका कोई। अब मैं पूरा दिन दुश्मनों के पीछे लगा रहता हूं उन्हें नाकाम करने के लिए। क्यों मैं सारा दिन उनके पीछे रहता हूं? सुल्तान मुअज्जम की खातिर, अपने खानदान की खातिर, आपके लिए महमद पाशा, आपके लिए। फर्ज करें कि अभी महल पर हमला हो जाए, मुसल्ला अफराद का या शरपसंदों का, तो क्या होगा? और क्या होगा पाशा, अपनी जान खतरे में डालकर सुल्तान की हिफाजत करेंगे। हाँ यही बात है महमद पाशा, अपनी जान खतरे में डालने वाले चार पांच अफराद ही होंगे। उन चार पांच अफराद में एक आप हैं और एक मैं हूं। बहादुर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और वो पहलवान नुमा लोग चूहों की तरह फरार हो जाएंगे। मसलन प्लेविन का जाबाज गाजी उस्मान पाशा, कहना क्या चाहते हैं आप? बहुत ही अहम मालूमात मिली है महमद पाशा। कहते हैं गाजी उस्मान पाशा सुल्तान मुराद की दोबारा तख्त नशीने के मंसूबे में शामिल है, और इस काम में वो अकेला नहीं है, ये सब दुश्मन के तआवुन से कर रहा है। वो आर्मीनियों से छीने गए असलहे को इस्तेमाल करके गद्दारों की मदद से अंग्रेजों की हिमायत से अब्दुल हमीद का तख्त उलट कर सुल्तान मुराद को दोबारा तख्त पर बिठाना चाहता है। महमद पाशा, क्या ख्याल है आपका, अब्दुल हमीद ने गाजी उस्मान पाशा को कल रात महल में क्यों रोका हुआ था? यकीन नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, लेकिन अगर ये सच है तो बहुत खतरनाक है। सुल्तान तक ये मालूमात पहुंचाई आपने? दरअसल सच पूछें तो मैं ये मालूमात आप जैसे काबिल एतमाद, ताकतवर, शरीफ उन नफ्स इंसान से मुशावरत किए बगैर सुल्तान को फराहम नहीं कर सकता। आप जानते हैं सुल्तान को गाजी उस्मान पाशा से बहुत प्यार है। अगर मैं ये मालूमात अपने तौर पर सुल्तान को पेश करता हूं तो उनके गुस्से का डर है, लेकिन अगर मेरे पीछे शरीफ उन नफ्स आप जैसा पाशा मौजूद हो तो उस सूरत में ये मालूमात सुल्तान तक पहुंचा सकता हूं, फिर हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हूं। Thank you.
खदीजा, फूफी जान आप? अरे बैठो बैठो, हमने आपकी आहट नहीं सुनी। क्या हुआ है खदीजा, क्या बात है, क्यों परेशान है? दिलो दिमाग में एक जंग बरपा है, न जाने कौन जीतेगा। ऐसे हम कैसे खुश रह सकते हैं? आह मेरी प्यारी शहजादी, खुद को अजियत क्यों दे रही हैं आप? देखिए अगर ऐसे ही रहेंगी तो ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा, हमें, कमालुद्दीन, सबको बहुत बुरा लगेगा। तो हम क्या करें फूफी जान, उस इश्क पर अब हमारा कोई अख्तियार नहीं रहा। बेटी, आपने मोहब्बत की कली को फूल बनने से पहले ही क्यों नोच कर फेंक दिया? हार मत मानिए खदीजा, अपनी मोहब्बत के लिए जंग कीजिए। अब कोई फायदा नहीं इन बातों का, उम्मीद खत्म हो चुकी है। क्या मतलब है आपका? कमालुद्दीन और नाइमे के दरमियान मोहब्बत का बीज बो दिया है। कैसे? कमालुद्दीन ने जो खत हमें लिखा था वो हमने नाइमे को दे दिया। नाइमे जब वो खत पढ़ेगी तो समझेगी उसे लिखा गया है। क्यों किया आपने शहजादी ऐसा? फूफी जान, नाइमे कमालुद्दीन से मोहब्बत करती हैं, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। अगर वाकई पाशा हमसे मोहब्बत करते हैं तो नाइमे की मोहब्बत के बावजूद हमारे लिए लड़ेंगे, और कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। यानी आपका मतलब है आपने पाशा को नाइमे के हाथ में नहीं दिया, बल्कि उनका इम्तिहान ले रही हैं। अगर वो सच में आपसे मोहब्बत करते हैं तो नाइमे को छोड़कर आएंगे, ऐसा ही है ना? जी ठीक कहा आपने, ऐसा ही है। आह बेटी, कुछ नहीं हो सकता, अगर वो खत नाइमे के हाथ लग चुका है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप दोनों को एक साथ देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। रियासत का अगर फायदा हो और उसके लिए मेहमत पाशा के साथ मेरी कुर्बत जरूरी हो तो हम अपने इख्तलाफात भुला देते हैं। यह सिर्फ रियासत का मसला नहीं है पाशा, इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि अपने नाराज मुसलमान भाई से सुलह करने में ही बेहतरी है। सुल्तान मुअज्जम, मेहमत पाशा एक बहुत ही अहम खबर लेकर आए हैं। अगरचे यह खबर अच्छी नहीं है, लेकिन जासूसी के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है ये। मेहमत पाशा, ये अहम खबर आपको सुनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस खबर से आपके हसास दिल को ठेस पहुंचने का अंदेशा है। रियासत का कमजोर पड़ जाना उसकी तबाही का सबब बनता है, तरद्दुद ना करें पाशा, बताइए हमें। सुल्तान मौसम, सुनाए कि आर्मेनी और अंग्रेज दोनों एक हो गए हैं। मेहमत पाशा, हमारे दुश्मन तो पहले से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, आप सुल्तान को वो अहम खबर तो सुनाएं। उस्मान पाशा, सुना है वो दुश्मनों से मिले हुए हैं। नाम लेने से पहले मंसूबे की तफसील बताइए, पहले मंसूबा बयान करें ताकि उसमें शामिल नामों का अंदाजा लगाया जा सके। मेरे सुल्तान मुराद को जिरान महल से अगवा किया जाएगा। आर्मेनी दहशतगर्द रियासत से बगावत करेंगे और उन फसादात के दौरान अंग्रेज सुल्तान मुराद की तख्त नशीनी की कोशिश करेंगे। इस मंसूबे की कामयाबी के लिए उन्हें रियासत के एक ताकतवर पाशा की जरूरत है, उस्मान पाशा। सुल्तान मौसम, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। दुश्मन को शिकस्त देना होगी, शिकस्त हो सकती है, हो सकता है कि जान भी चली जाए, डर कर भागने वालों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से गद्दारी उसकी असल शिकस्त है। सुल्तान मौसम, अपनी सफों में गद्दारों को तलाश करने और उनसे निमटने के लिए हम हर लम्हा तैयार हैं। गाजी उस्मान पाशा जहां दुश्मनों से मुलाकात करते हैं,
उस जगह का पता जल्द मालूम हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो इस अहम काम में बंदा मेहमत पाशा की मदद करना चाहता है। उस्मान पाशा गद्दारी कर सकते हैं, इस बात का इत्तेमाल बहुत कम है, लेकिन इस मामले में नरमी भी नहीं की जा सकती। मेरे सुल्तान, अब तक मौसूल होने वाली अहम मालूमात के मुताबिक बरतानवी जहाजों की गैर मामूली नकल व हरकत हमारे समंदरों में देखी गई है। उस्मान पाशा के बारे में जितनी भी मालूमात मिली है उनकी तहकीकात करें। पादरी को तलब किया आपने? जी, बुला लिया सुल्तान। देखते हैं कि एक ही वक्त में आर्मेनियों और अंग्रेजों के हरकत में आने की वजह क्या है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मेरा दिल आपकी मोहब्बत में धड़क रहा है। मैं अपना मुस्तकबिल सिर्फ आपके साथ देखना चाहता हूँ शहजादी। वालिदा, हमारी नूरे नजर, शुक्र है आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बाबा और हम बहुत परेशान हो गए थे। फिक्र मत करें वालिदा आप, हम बिल्कुल ठीक हैं। शिफा मिल गई है हमें। खैरियत तो है, इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह क्या है आखिर? वजह ये खत है वालिदा, कमालुद्दीन पाशा का। ये खत हमारी मोहब्बत का इनाम है। मतलब आपकी इतने दिन की बीमारी का नाम इश्क था ना इमे। इंशाल्लाह आपके इश्क का नसीब बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह वालिदा। वालिदा, एक इल्तिजा है हमारी आपसे। सुन रहे हैं हम। आप मुनासिब तरीके से ये बात बाबा तक पहुंचा दे। आप ही हमारी मदद कर सकती हैं हमारे दिल की मुराद पूरी करने में। बिल्कुल हमारी प्यारी शहजादी, उन तक ये बात हम जल्द पहुंचा देंगे। क्या आपको फूल पसंद है पादरी साहब? ज्यादा पसंद नहीं है, हमें बहुत पसंद है। इस पौधे को देखिए, इसके पत्ते इसी अंदाज से अपनी बाहर दिखाते हैं, दिल के लिए मुफीद हैं। इसके फल को पीसकर नाक से खींचे तो नक्सीर फूटना बंद हो जाती है। इसी तरह से ये फूल बेखाबी का मर्ज खत्म करते हैं, लेकिन अगर इन फूलों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो इंसान मौत का शिकार भी हो सकता है। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपने मुझे बाग के सैर के लिए बुलाया है? इस बाग में हर बीमारी का इलाज मौजूद है ये बताने के लिए बुलाया गया है आपको। यहां हर बीमारी की दवा मौजूद है, लेकिन जिल्लत की नहीं। जो रियासत से गद्दारी करता है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मौत से ही मुमकिन है। सुल्तान मुअज्जम, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया कि तुम गद्दारी की दलदल में जाकर फंस गए? मेरा ख्याल है कि कोई गलतफहमी हो गई है। आर्मेनी कलीसिया के लोग तो हर दौर में आपके वफादार रहे हैं। ये नक्शा मेरे दादा ने तुम्हारे जद को अमानतन दिया था, आया सूफिया जाने वाली सुरंग का नक्शा। मुझे लगता है कि यह वहां से किसी ने चुरा लिया है। यकीन करें मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रियासत की अमानत की जो हिफाजत ना कर सके उसकी जिंदगी भी महफूज नहीं रह सकती। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि यह नक्शा फातह सुल्तान मेहमद की निशानी है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। सुल्तान की बात आपने नहीं सुनी? अपने सर से पादरी आजम का निशान हटाकर आप यहां से जा सकते हैं। मैं आर्मेनियों की हिमायत से मुंतखब हुआ हूं, मैं कैसे इस्तीफा दे सकता हूं? देख लेंगे। जाइए जाइए यहां से। गाजी उस्मान पाशा अंग्रेज दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। हम आपको जानते हैं, लेकिन आप हमें भूल गए हैं पाशा। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, तफ्तीश की जा रही है, एक आम मुल्जिम की तरह।
सुल्तान पर से भरोसा उठ गया है मेरा। उस्मान पाशा आपके बाबा को अगवा करके सुल्तान अब्दुल हमीद का तख्त गिराना चाहते हैं। जब सिपाही उस घर पर छापा मारेंगे तो उस्मान पाशा की गद्दारी का उस वक्त उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा, क्योंकि वहां उन्हें ये नक्शा मिलेगा। मैं लेके लौट आई। हाँ, सारा ने अच्छी तरबियत की तुम्हारी, वो तहरीर मुझे दो।